भी हमारे साथ आए हैं। अब कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, भाई आए हुए हैं, भूमि आई हुई है? इनके आने से बहुत सपोर्ट मिलता है, बिकॉज कई बार हम कुछ करना चाहते हैं तो उसका यू नो अच्छा और बुरा दोनों नतीजे आते हैं। बट बिंदु भाई का थैंक्स करना चाहता हूँ, भूमि का, इन्होंने सामने से फ़ोन करा कि हमें चलना है। तो मैंने बोला यार, दो हफ्ते पहले मैं गया था तो बहुत धूप होती है और यू नो सैनिटाइज़र वगैरह, ये मास्क वगैरह लगा के जाना है। बट थैंक्स टू देम कि वो आज इतने अच्छे यू नो कॉज के लिए आए हैं। और यही हमारा मैसेज है सभी से कि आप भी अपने घर से जितना भी सेवा कर सकते हैं, इवन मेडिसिन दे दो आप तो बहुत है, बट ज़रूर सपोर्ट करें। टारगेट अचीव हो रहा है या टारगेट के ऊपर जा रहा है? अब मैं देख रहा हूँ लोग बढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत आ रहे हैं। हाँ नहीं, थैंक्स टू माई टीम यार के बहुत मेहनत करते हैं बेचारे। सुबह 6 बजे शुरू, बिकॉज 1000 लोगों का जो यू नो खाना बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज गर्मी भी बहुत है। बट थैंक्स टू माई टीम डिवाइन टच जो इतना मेहनत कर रहे हैं और पूरा उनका सहयोग है। और थैंक यू भूमिका, भूमि ने बहुत सारा यू नो राशन वाशन भेजा है। तो मैंने बोला राशन से नहीं चलेगा, तुम एक बार आके देखो। भूमि क्या कहना चाहेंगे सर? ऑफकोर्स ही इज़ वेरी वेरी काइंड। और मैं बोलूँगी कि इस लॉकडाउन में, सेकेंड वेव में, आई थिंक एवरीबडी हैज़ लॉक्ड देमसेल्व्स डाउन, उसके बावजूद सर, मिका सर, बिंदु सर, दे ऑल आर कमिंग आउट टू हेल्प पीपल, दे आर वेरी काइंड। और यही बात से मुझे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती रही। एंड सर इज़ रियली रियली काइंड, उन्होंने जिस तरह से लोगों की सेवा की है, मदद की है, वो ज़्यादा हम लोगों को सबको इंस्पायर कर रहा है। और मैं बहुत बहुत इन सब चीज़ों में बहुत छोटी हूँ, बट वट एवर आई कुड डू दैट। पिछले साल भी जब हमने शुरू किया था तो उसके बाद भूमि ने भी सेम तरीके से चेन को फॉलो की थी। मैंने एक लोग हमेशा चैलेंज देते, डांस चैलेंज, ये चैलेंज, तो मैंने इनको यही बोला था यार कि ये चैलेंज तो नहीं है बट ये एक मैसेज है। तो फिर भूमि ने फॉलो किया, नवराज मेरा कज़न है, बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया। एंड अगर हम थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो बहुत, अभी हमें हार्डली आधा घंटा भी नहीं लगा, आधे घंटे में इतने लोगों का यू नो अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प होती है खाने के ज़रिए, तो बहुत है। इंडस्ट्री का ऐसा दखल रहा है कि जब भी कोई बुरा वक्त आया सबसे पहले इंडस्ट्री आके खड़ी होती है? बिल्कुल, ऑलवेज ऑलवेज, कभी भी जब भी हिंदुस्तान पे कोई भी प्रॉब्लम आई है तो इंडस्ट्री हमेशा आगे आती है। अब ये बीका चुपचाप करते जा रहे, दिल्ली में भी चलते जा रहा है, कुछ ज़्यादा शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छे काम जब करोगे तो फिर ऊपर वाला देख ही रहा है हर चीज़। एंड आई थिंक बहुत लोग कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से, जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। और पहले हम बोलते थे कि भैया जो अनजान आदमी है उससे बात मत करो, उसे देखो मत, लेकिन अनजान लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ये कोविड है। एंड मीका के वी आर वेरी प्राउड, ऐसे काम ये करते रहते हैं, मैं इन्हें बहुत देर से जानता हूँ, इनने बहुत लोगों की हेल्प की है जो मुझे पता है, जो मैं बता नहीं सकता, नाम बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे काम करते जाओ, एक दूसरे की हेल्प करो, तभी इंसानियत बढ़ेगी। आप दोनों से सवाल है कि आपको इस बात का एहसास होता है कि जितना डर कोरोना को लेके है, जब एक सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर जैसे आप जैसे जब रोड पर उतरते हैं तो डर कहीं दूर होता है? मैं बता दूँ डर कहाँ से प्रॉब्लम आती है, सॉरी भूमि, जो लोग पार्टीज़ करते हैं ना, सबसे पार्टीज़ में ज़्यादा हम हुक्का पीते हैं, तो जो पहले हुक्का देने वाला है वो जो एक चेन बनती है ना हुक्का पीने की, वहाँ से फैलता है। इनसे बेचारों का क्या, हमें यू नो सोशल डिस्टेंस रखो, आप सेवा करो। हम जब पार्टीज़ करते हैं और एक ही गिलास में जो गिलास शेयर होते हैं, ड्रिंक होती है, तो आई गेस उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए सरकार ने सोचा कि चलो रेस्टोरेंट और ऐसी पार्टीज प्लेस को बंद किया जाए। सबसे पहले तो हम लोग वी आर नॉट फ्रंट लाइन वर्कर्स, सो सबसे पहले हैट्स ऑफ टू ऑल द फ्रंट लाइन वर्कर्स जिन्होंने जो पेशेंट्स को उनको ट्रीट करते हैं वहाँ पर रहकर। और कोई भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, जैसे अथॉरिटीज़ है या ऑफिशियल्स हैं, जितने भी हैं, उनसे भी हमें वी गेट इंस्पायर्ड एंड देन वी ऑल्सो गेट डाउन, जितने भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं वो लेकर हम वी ट्राई टू हेल्प पीपल। सो आई थिंक जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और एवरीबॉडी हु इज़ एक्चुअली स्प्रेडिंग अवेयरनेस, तो अवेयरनेस को के चलते हुए आई थिंक वी आर ऑल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड एंड वी आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू डू वट एवर वी कैन। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू बिंदु सर एंड मिका सर जिन्होंने हम सभी लोगों जैसे यू नो वी हैव दिस थॉट ऑफ डूइंग समथिंग, लेकिन किस तरह से करना, उसकी शुरुआत किस तरह से करना, आई थिंक दे हैव एक्चुअली प्रेस द बटन्स राइट नाउ।
कि इसीलिए हम सब लोग भी उतरे हैं, वी आर टेकिंग अटमोस्ट केयर ऑफ आर सेल्स एंड पीपल अराउंड अस, और उसके बावजूद उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं हमारी तरफ से, जो बेस्ट कर सकते हैं वी आर ट्राइंग टू डू दैट। और जो जो लोगों की हेल्प नहीं कर सकते उनके लिए एक मैसेज है कि आप प्लीज़ कोविशील्ड जरूर, आप एक वैक्सीन जरूर लें जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और विटामिन सी जरूर लें, मास्क पहने और अपने सेहत का ध्यान रखें। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.